घर पर रहें, सुरक्षित रहें। लॉकडाउन के दौरान ऑर्डर करें दी वेब्स रेस्टोरेंट। रामगढ़ की आंदोलनकारी विधायक बनी ट्रेलर, लोगों के लिए खुद बना रही है मास्क। वैश्विक महामारी कोरोना की इस संकट के घड़ी में आज हर कोई कुछ ना कुछ अपने स्तर से जरूरतमंदों की सहायता करने में लगा हुआ है। इन्हीं हालातों को देखते हुए रामगढ़ की विधायक जरूरतमंदों के लिए खुद सिलाई कर बना रही है मास्क और लोगों को निशुल्क मास्क देने का कार्य कर रही है, ताकि वो इस कोरोना वायरस से खुद को सुरक्षित रख सके। झारखंड के रामगढ़ विधानसभा की विधायक ममता देवी वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से लोगों को बचाने के लिए इन दिनों काफी सक्रिय नजर आ रही है। लॉकडाउन 1 के दौरान विधायक ममता देवी ने गांव-गांव घूमकर खाद्यान्न सामग्री वितरण किया। सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का इस दौरान निरीक्षण कर संचालित करवाया। अब लॉकडाउन 2 में विधायक ममता देवी सराहनीय कार्य कर रही हैं। विधायक अपने काम के बाद घर में रहकर बड़ी संख्या में मास्क बनाने में जुटी है। रोजाना अपने घर पर खुद सैकड़ों की संख्या में ममता देवी के द्वारा मास्क बनाया जा रहा है। इस कार्य का क्षेत्र के लोग काफी सराहना कर रहे हैं। इस संबंध में विधायक से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी में लोगों को बचाने के लिए सरकार अपने स्तर से कार्य कर रही है। मैं भी समय निकालकर लोगों को इस महामारी से बचाने के लिए मास्क देने का मन बनाई हूँ। मैंने सोचा कि बाजार में इसकी किल्लत है, इसलिए खरीदने से अच्छा है कि मैं क्यों ना घर में ही इसका निर्माण करूं। इसके बाद मैं रोज घर में ही कामकाज के बाद समय निकालकर मास्क बनाने में जुट गई। घर में बनाया मास्क काफी अच्छा है और मजबूत है। यह पूरी तरह सुरक्षित और मजबूत है। मैं घर में मास्क बनाने का कार्य करती हूँ और हमारे कार्यकर्ता घूम घूम कर लोगों को अनाज और मास्क बांट रहे हैं। वहीं जब मुझे भी समय मिलता है तो मैं अपने लोगों के बीच जाती हूं और उनके बीच मास्क बांटती हूं और लोगों को इस लॉकडाउन के नियम का पालन करने का अपील करती हूं। वैश्विक महामारी जो अभी पूरे देश में पूरी तरह से हावी हो चुका है, और इसको देखते हुए सभी लोग, या वो हमारे राज्य की सरकार हो या केंद्र हमारे सरकार हो या फिर आम कोई जनता हो, हर कोई सहयोग कर रहा है ऐसे गरीब लोगों के लिए जिनके घर में आज अनाज नहीं है, खरीदने के लिए मास्क नहीं है। ऐसे लोगों को हर कोई सहयोग कर रहे हैं, और हमारे राज्य सरकार का ये कहना है कि हर एक व्यक्ति के घर तक अनाज पहुंचना चाहिए, जिसको लेकर के हमारे सभी माननीय मंत्रीगण, या फिर वो माननीय हमारे खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव जी हों, या फिर हमारे स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय बन्ना गुप्ता जी हों, या फिर जल संबंधित मिथिलेश ठाकुर जी हों, या हर कोई, सभी कोई अपने स्तर से लगे हुए हैं, जिसको देखते हुए हम लोग भी हर जगह घूम रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं और सभी जगह पर देख रहे हैं कि किस तरह से गरीबों को राशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या वो डीलर हो या मुखिया हो या वो वार्ड पार्षद हो या भी वो ब्लॉक परिसर हो, हर जगह तक मैं अपने स्तर से जाने का प्रयास कर रही हूँ और हर एक गरीब को राशन दिलाने का मैं काम कर रही हूँ। और हमारा यही लक्ष्य है, हमारा सरकार का लक्ष्य है कि हर एक व्यक्ति के घर तक अनाज पहुँचना चाहिए, हर कोई सुरक्षित रहे और घर पे रहे, ये हमारा सरकार का आदेश है, निर्देश है। और जिसको देखते हुए ये लॉकडाउन का पालन सभी आम जनता कर रही है, जिसके वजह से आज हम लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारे रामगढ़ जिला में अब तक ये एक भी बीमारी यहाँ पर नहीं देखी गई, जिसके लिए हम जिला प्रशासन का भी धन्यवाद देते हैं, सभी प्रेस मीडिया बंधु का भी धन्यवाद देते हैं कि सभी लोगों ने मिल करके और जागरूक करने का लोगों को काम किया है। और मुझसे जितना बन पड़ रहा है, मैं क्षेत्र में घूम रही हूँ, अपने हाथों से मैं राशन पैक करके आम गरीबों तक कार्यकर्ताओं के माध्यम से बांटने का काम कर रही हूँ। साथ ही समय मुझे मिलता है तो उसी बीच में मास्क भी मैं खुद से ही घर में बैठ करके सिल रही हूँ, और जिसको मैं कार्यकर्ताओं के माध्यम से उसे बंटवाने का काम कर रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि हमारे हर एक व्यक्ति, हर एक आम जनता सुरक्षित रहे, यही हमारी सोच है, जिसको लेकर के हम लोग हमेशा से क्षेत्र में बने हुए हैं और चाहते हैं और लोगों से ये अपील करते हैं, आग्रह करते हैं, विनती करते हैं कि बिना अनावश्यक घर से बिल्कुल ना निकले, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें आप लोग। और हमसे जितना बन पड़ेगा, मैं लोगों तक जा रही हूँ, उनके घर तक मैं पहुँच रही हूँ, उनकी समस्याओं को सुन रही हूँ, उन समस्याओं का निदान करने का भी मैं प्रयास कर रही हूँ।
न्यूजीलैंड्स चैनल को YouTube में सब्सक्राइब करें और खबरें सबसे पहले देखने के लिए बेल बटन जरूर दबाएं। न्यूजीलैंड्स में खबर की सूचना देने के लिए संपर्क करें और वीडियो व्हाट्सएप करें। हमारा संपर्क नंबर है